आपने हिजब की बात की जी, जी। जब ये पूरा कंट्रोवर्सी हुआ जी। आ, तो इसमें ये बात हुई कि हिजब को अलाउ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए right. उसमें एक बात आई थी कि इंस्टीट्यूशन का जो राइट right है जी। आ, अगर वो कोई पास कर रहा है जजमेंट या ऑर्डर उसने पास किया है तो उसका इंडिविजुअल राइट right वहां पे मैटर नहीं करेगा right. आ, लेकिन अगर डी कलोनियल अप्रोच हम लें दैट इज रादर देन सेक्युलर अप्रोच कि सब लोगों को एक ही यूनिफॉर्म पहनना है जी। इसमें गलत क्या है कि लोगों को हिजब बुरका तो बिल्कुल अलाउ नहीं कर सकते क्योंकि चेंजेस फंडामेंटली यूनिफॉर्म इट सेल्फ इज नो कंसेप्ट ऑफ यूनिफॉर्म आई नीड टू सी दी आइडेंटिटी बिल्कुल करेक्ट लेकिन हिजब इज जस्ट अ स्कार्फ राइट उसी तरीके से uh, जो हिंदू सिंबल्स हैं जी. वो भी लोग पहन सकते हैं करेक्ट uh, तो इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है यूनिफॉर्म में ओवर एंड अबाउ द यूनिफॉर्म करेक्ट करेक्ट तो इनमें अलाउ करने में दिक्कत क्या है किसी भी इंस्टीट्यूशन को करेक्ट ये हक नहीं होना चाहिए कि वो सेक्युलराइज करे किसी के भी रिलीजियस स्पेस को करेक्ट करेक्ट इवन इन स्कूल करेक्ट सो आई थिंक प्रॉब्लम यह हुआ है कि इस पूरे कॉन्ट्रोवर्सी में बाउंड्री कंडीशन क्या है किस बैकड्रॉप में यह लड़ा जा रहा है किसी को समझ में नहीं आ रहा है ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स बी वेरी क्लियर मुद्दा शुरू हुआ था विद रिस्पेक्ट टू सर्टन इंस्टीट्यूशन इन उड़ीपी एक तो ये बात है ना कि जब ये जो डिबेट्स होनी चाहिए ना इन आइसोलेशन जी तो उनका आंसर अलग आएगा एग्जैक्टली exactly. ये बात है दिक्कत ये। so, हमने पूरे स्कोप ऑफ एनालिसिस को बहुत बड़ा कर दिया है व्हेन इट एट ऑल डू कहां से शुरू हुआ था इन स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशंस इन उड़पी ये रूल था चाहे कोई भी हो आप अपने रिलीजियस सिंबल्स को विजिबल रिलीजियस सिंबल्स को पहन के नहीं आएंगे ये यूनिफॉर्मली अप्लाई हो रहा था। नाउ इसके आर टू ऑफ लुकिंग एट दिस। वन होता और सबको ये छूट दिया जाता कि आप पहन के आओ ऑनेस्टली स्पीकिंग आई डोंट सी अम समन टीका ऑन रेगुलर बेसिस आई वुडेंट अ प्रॉब्लम आई इट एंड आई वुड लव इट ओके दैट्स वन सेकेंड सिचुएशन दूसरा है अभी रूल है और सभी पे लागू हो रहा है किसी एक पक्ष पे सिर्फ अकेले लागू नहीं हो रहा है तब आप यह कहते हैं कि सिर्फ हम ये कर सकते हैं या फिर हम ये करना चाहते हैं या फिर हम इसको वायलेट करेंगे तब क्वेश्चन ये उठेगा इतने सालों से तो यह प्रॉब्लम नहीं हुआ था तो अचानक से यह कैसे शुरू हो रहा है दिसंबर 2021 तक ये मुद्दा था ही नहीं द रूल हैज बीन सिंस नाइनटीन नाइनटी फाइव ना आपने उसको चैलेंज किया ना उसके अमल करने के तरीके को आपने चैलेंज किया है तो अचानक से अगर कुछ हो रहा है बट लेटे स्टिक टू आपका जो लार्जर क्वेश्चन फर्स्ट प्रिंस नो आई डोंट सी अ प्रॉब्लम भारत जैसे देश में जहां पर रिलीजन का इतना स्ट्रॉन्ग रोल है चाहे किसी का भी रिलीजन हो ये करने की जरूरत नहीं है हम फ्रांस नहीं हैं We are not irreligious in that particular sense. The society has imposed upon itself the secular fiction. The, sorry, the state has imposed upon it a secular fiction. The society is not a secular society, it is a religious society with maybe certain secular islands. Unfortunately, state or society beach distinction, secularism से से secularism is a requirement of the state, not the society. So when someone says India is a secular country, you are wrong. Indian state is a secular state. लेकिन अगर वही नॉन माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन होता तो वहां पे जो इंडिविजुअल का राइट right है वो आ जाता है अगर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन लेकिन आर्टिकल थर्टीडिंग टू मी

बट जो अंतकरण से जो बदल रहा है उस पर आपको कोई नजर आई नेवर इवन इंटेंट ऑन फोकसिंग ऑन दैट द लार्ज प्रॉब्लम इज दैट नो बट यूर है टीका hmm. क्या करेंगे वंस दी एजुकेशन डन बच्चा अपने आप टीका हटा देगा <laughs> 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 किसी को हटाने की जरूरत तो नहीं है इंस्टीट्यूशन तो, तो. ये बोलेगा मेरे धर्म में क्या है सती है जाति है एंड अनबिलिटी uh, uh, well, है Look at the myopia of our issues. You are still focusing only on what they call the Zahir, which is external, as opposed to what is happening inside. Mm. So, in this debate, I think once again Hindus have established. इसलिए तो मेरे को बहुत आश्चर्य हुआ कि यार तुम लड़ रहे हो कि ये इनको बुरा पहन के या ये करके क्यों आने दे रहे हैं बल्कि जो इतना बड़ा इश्यू है कि जो इंस्टीट्यूशन है, है वो एक पेडेस्टल पे नहीं है एग्जैक्ट exactly, लोग अपने स्कूल नहीं चला सकते हो उन, उन रूल्स के हिसाब से See, so ये एक गवर्नमेंट फंडेड स्कूल है जहाँ पेलर रूल है तो सब पे लागू होगा लेकिन अगर मुझसे फर्स्ट प्रिंसिपल्स पे बात किया जाए मैं कहूंगा भैया सबको करने दो वट इज द डिफरेंस ओके एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट द हिंदू कम्युनिटी तुम इस पे मत लड़ो तुम अपने इंस्टीट्यूशन सेटअप करो एंड yes. बच्चों को कहो कि ये पहन के जाओ बिल्कुल हंड्रेड परसेंट डोंट टेक प्राइड इन द फैक्ट दैट यू सेंडिंग योर चिल्ड्रन विदाउट एनी रिलीजियस सिंबल आउटसाइड ये तो रिलिजल ये, ये शेम है एंड अंडरस्टैंड दैट दिस एंटायर एपिसोड हैज प्रूव्ड

हो रहा है नो प्रॉब्लम लेकिन पहले आप अंदर से तो बदलो उसके बाद यू टॉक अबाउट ऑल दीज एस्पेक्ट यू आर कॉन्स्टेंटली लुकिंग फॉर एवरी वन एल्स टू ब्लेम द प्रॉब्लम फॉर एज अपोज टू योर सेल्फ